यूं तो हमारे देश में पर्यावरण को लेके बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, वादे होते हैं, स्वच्छ भारत का सपना देखा जाता है, वायु प्रदूषण के खतरे से निपटने के लिए बड़े बड़े कदम उठाए जाने के प्रण किए जाते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि यहाँ 98% लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्लाइमेट चेंज, जल संकट और वायु प्रदूषण के कारण मात्र 100 सालों में धरती पर जीवन वाकई में नरक समान होने वाला है। और हो भी क्यों ना, आखिर हम खुदगर्ज इंसान अपने आज में जीते हैं, फिर चाहे भविष्य हमारा नरक समान ही क्यों ना हो, इससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद आपको पता ना हो, पर मुंबई का अस्तित्व अब खतरे में है। एक नई सर्च के मुताबिक 2050 तक लगभग अधिकांश मुंबई समुद्र में डूबने वाली है, जिसके चलते मुंबई के जंगलों को काटा जा रहा है। शायद आपको ये भी पता ना हो कि मुंबई के आर्य फॉरेस्ट में लगभग 2000 से ज्यादा पेड़ों को रातों रात काट दिया गया। जिन पेड़ों को बढ़ने में दशकों लगे, उन पेड़ों को सिर्फ एक रात में काट दिया गया। मुंबई की अदालत ने ये कह के पल्ला झाड़ लिया कि जितने पेड़ काटे गए हैं तो ठीक, लेकिन आगे और पेड़ नहीं काटे जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये खेल खेला जा चुका है और अब ना तो कुछ किया जा सकता है और ना ही कुछ हो सकता है, क्योंकि जितने पेड़ काटे जाने थे उतने पेड़ काटे जा चुके हैं और जो बचे हैं उनको भी जनता की नजरों से बचाकर आज नहीं तो कल काट दिया जाएगा। शायद आपको पता ना हो, पर इन पेड़ों को काटने के लिए एडवांस मशीनरी का सहारा लिया गया। ये ऐसी मशीनरी थी जो मात्र 30 सेकंड में एक पेड़ को काट कर उसके टुकड़े कर देती है, और इन 2000 से ज्यादा पेड़ों को काटने में महज एक रात लगी। इतने विशाल मात्रा में पेड़ काटे जाने की वजह से वहाँ के इकोसिस्टम पे बेहद गहरा असर पड़ना तय है। वन्य जीवन तहस नहस होना निश्चित है। जंगली जानवरों का इंसानों से मुठभेड़ होना निश्चित है। आरे फॉरेस्ट मुंबई का एक ऐसा फेफड़ा है जो वहाँ के लोगों को शुद्ध हवा, ऑक्सीजन और वन्य जीवन प्रदान करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि औसतन एक पेड़ पूरे दिन में 4 लोगों को जिंदा रखने लायक शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करता है और साथ ही साथ बड़ी मात्रा में वायु प्रदूषण को भी कम करता है। ऐसे में ये कह देना कि जितने पेड़ काटे गए हैं उतने ही पेड़ हम लगा भी देंगे, एक बेहद मूर्खतापूर्ण विचार है, क्योंकि किसी भी पेड़ को वयस्क होने में 20 से 40 साल लगते हैं और तब जाके वह स्थिति में पहुंच पाता है कि वह ग्रीन हाउस गैसेस को सही से एब्जॉर्ब कर सके। ऐसे में 2500 पेड़ों को काट कर 2500 नवजात पेड़ लगाने की बात केवल मूर्ख बनाने के अलावा कुछ और नहीं है, क्योंकि अमूमन 10 में से केवल 1 या 2 पौधा ही प्राकृतिक की मार झेल कर वयस्क वृक्ष बन पाता है। फिर भी अगर एक अंदाजा लगाया जाए तो मुंबई मेट्रो शेड बनाने के लिए 30 हेक्टर यानी 40 एकड़ की जगह चाहिए थी, जिसके लिए लगभग 2500 से ज्यादा पेड़ों को काटा जाना था। लेकिन क्या आपको पता है कि एक स्वस्थ जंगल के 1 एकड़ में लगभग 40 से 60 पेड़ होते हैं, और ये 1 एकड़ में फैला जंगल साल भर में 2500 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से साफ कर देता है। इस हिसाब से अगर आर्य के जंगल को देखा जाए तो लगभग 74 एकड़ में फैले जंगल को रातों रात साफ कर दिया गया, जो साल भर में मुंबई से 2 लाख किलोग्राम से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को साफ कर देता था। शायद अगर प्रशासन को इतनी बड़े नुकसान का अंदाजा होता तो स्थिति कुछ और ही होती। लेकिन हम इंसानों ने कब विकास की डगर पे प्राकृतिक को महत्व दिया है जो हम आज देते। वहीं पहले से ही प्राकृतिक की मार झेल रही मुंबई के साथ साथ ये पूरे भारत के लिए बहुत बड़ी क्षति है। आज पूरी दुनिया में पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ की मुहिम पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि जितने प्रचंड स्तर का नुकसान हम लोग कर चुके हैं उसकी भरपाई आने वाले 100 सालों तक नहीं की जा सकती। यानी 100 सालों तक हमारी धरती ऐसे ही गर्म होती रहेगी और धरती पर जीवन किसी आग की भट्टी के समान होने वाला है। आज ग्लोबल वार्मिंग से पूरी दुनिया जूझ रही है, हर जगह इसका असर देखा जा सकता है, लेकिन इसका समुद्री इलाकों पे सबसे अधिक प्रभाव होता है। यूएन की एक रिपोर्ट ने साफ साफ चेतावनी दी है कि अगर अर्थ को गर्म करने वाली गैसेस पे लगाम नहीं लगाई गई तो 2050 तक दुनिया के बहुत से शहर जिसमें मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और सूरत आता है, लगभग पानी में समा जाएंगे। यानी जो हिस्सा एक बार पानी में समाया तो समझो उसने सदैव के लिए जल समाधि ले ली। वैसे भी दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग ने मुंबई की किस्मत लिख दी है और 2050 तक मुंबई का 80% का इलाका समुद्र में परमानेंट डूब जाएगा और जो बचेगा वो प्रकृति की भयंकर मार झेलेगा। यानी मुंबई में अगले 50 सालों में जीवन नरक समान होने वाला है और जिसकी झलक आज के मुंबई वासी देख भी रहे हैं। दोस्तों, हम इस पे पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। इन वीडियोस को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि धरती पे मानव जीवन और कितना बचा है। धन्यवाद।